सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देखोगे कोल इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका इंपैक्ट कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा भी। करंट क्वार्टर ये प्रीवियस और प्रीवियस का सेम क्वार्टर। तो अब के बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिली है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी टोटल इनकम जो है लगभग 38,349 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी, 39,654 करोड़ की। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 37,521 करोड़ की। तो ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इसके इनकम में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देखोगे लगभग 36,464 करोड़ का रहा है, जबकि प्रीवियस में 37,410 था। तो इसके अंदर भी हमें जो है अभी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंस यानी जो टोटल खर्चे किए अभी कंपनी ने, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या है आपके पास लगभग 24,287 करोड़ के। प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे, प्रीवियस में थे 28,298 करोड़ के। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 24,112 करोड़ के। ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में गिरावट है। और रिवेन्यू अब की बार फिर आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस से तो भी ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, बट कितना चलिए देख लेते हैं। भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार जो प्रॉफिट बनाया है भाई वो है लगभग 10,943 करोड़, प्रीवियस में 8,640 करोड़। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 10,698 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार इजाफा रहा है। तो इसके बाद देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि जो ईपीएस हमें देखने को मिला इसका, वो यहाँ पर देख सकते हो भी 17.78 का रहा है, जबकि प्रीवियस में 14.09, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 17.08। इसके ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा आप लोग ये नोट्स डिटेल में पढ़ देना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो। ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें क्या कुछ देखने को मिला है वो यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते भी इसका इम्पैक्ट आखिरकार कैसा रहने वाला है। तो बात करें भी इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को लेकर, तो कंपनी से क्या एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पर आप लोग अभी करंट आंकड़े अवेलेबल नहीं है इसके, ठीक है। तो रिजल्ट ठीक है, इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।